तो आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, और शादी में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग बैठ गए हैं टुक टुक में। यहाँ से टुक टुक जा रहा है मतलब वहाँ के लिए। तो हमारे जो पड़ोस के आंटी लोग थे वो और मेरी सासू माँ, हम लोग सब पहुँच गए हैं न्यू संगम वाटिका हॉल में। यहाँ पे दिन की शादी है तो हम लोग पहुँच चुके हैं। 2 बजे हम निकले थे, 2:30-3 बजे हम पहुँच गए होंगे। तो यहाँ का एम्बियंस आप लोग देख लीजिए। तब तक अभी ज़्यादा लोग आए नहीं है, थोड़ा बहुत ही लोग आए हैं। बारात तो बहुत देर में आएगी मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम, क्योंकि 2 बजे तक आई नहीं थी, 12 बजे का टाइम दिया था। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमने पी एक कॉफ़ी, सबसे पहले सबने टीका लिखवाया, उसके बाद सबने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पी, एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे ही बैठे इन्जॉय किया। यहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े हुए थे, आप लोग देख रहे हो। फिर थोड़ा बहुत हमने ऐसे ही फोटोशूट वगैरह किया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, दूल्हा दुल्हन आए नहीं थे अभी। तो सब ऐसे ही इन्जॉय कर रहे थे। आसपास का जो लोग हैं, बस मतलब थोड़ा फिर हमने थोड़ा बहुत ऐसी रील्स बनाई, रील्स के छोटी मोटी ऐसी वीडियो बनाई, क्योंकि करना भी क्या था कुछ वहाँ पे। तो बस फिर हम वेट ही कर रहे थे दूल्हा दुल्हन के आने का। उसके बाद जो टीका लगाने वाले जो भैया मतलब कि दूल्हे के तरफ के लोग आने लग गए थे, और हम लोग बस बैठे ही हैं अभी कुर्सी में, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। उसके बाद जो ये दुल्हन की मम्मी है, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ व्यवस्था कर रही है शादी की। आपको पता ही है कितना काम होता है शादी में। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, ये मूँग दाल है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा चाउमीन खाई, थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया सब कुछ, क्योंकि शादी में बहुत जल्दी खाना खा के मतलब पेट भर जाता है और खाया नहीं जाता कुछ भी ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर हमने ये हलवा खाया गाजर का, उसके बाद गुलाब जामुन खाया, बस एक ही खाया, बस उसके ज़्यादा नहीं खाया। यहाँ पे ये फिर उसके बाद डोसा खाया, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम डोसा ही बनाना लगता है मुझे शादियों में, क्योंकि एक प्रेशर भी हो जाता है ना, सामने आपके सामने खड़ा होता है कोई भी इंसान और आपसे डिमांड करता है, तो एक प्रेशर हो जाता है कि मुझे देना है करके, और मुझे ये टफ लगता है काम। बाकी भैया फटाफट बना रहे थे डोसा सबके लिए, एक बार में 4-5 बना रहे थे। उसके बाद उन्होंने इसमें डाला थोड़ा मसाला, पनीर डाला, प्याज टमाटर डाल दिया, और जो भी इनका मसाला था वो डाल के सर्व किया सबको। और सब लोग हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कब ये बनेगा, कब हमको मिलेगा, क्योंकि वैसे तो पेट भर ही चुका था, पर यह है कि सब चीज़ टेस्ट करने का भी एक अलग ही मज़ा है शादी में। यहाँ पर डोसा भी मुझे मिल चुका है, और उसके बाद बारात भी आ गई थी। तो यह दूल्हे राजा और बहुत शर्मा रहे थे, जो कि ऐसे वीडियो बनने में शर्म आती ही है। यहाँ पे है बरातियों का डांस, देख लीजिए। हम दूर खड़े थे तो मुझे ज़्यादा साफ तो वीडियो नहीं आई, परंतु जो भी आई वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग देखिए इंजॉय कर रहे। और बहुत अच्छा जो है लग रहा था, जब बरात आती है उसके बाद डांस वांस होता है, इसी इंजॉयमेंट में मज़ा आता है। तो यहाँ पर फिर हुई दुल्हन की एंट्री, एंड दुल्हन की एंट्री होने के समय ही दुल्हन की मम्मी को आप देख रहे हो कितना इमोशनल हो रही हैं। उधर से दुल्हन की एंट्री हो रही है और यहाँ पे आंटी रो रही हैं। हाँ, होता ही है, बुरा लगता ही है। यहाँ पे देखो अंकल जी भी थोड़ा सा नर्वस मुझे लगे। यहाँ पे फाइनली हो गई दुल्हन। फाइनली हो गई है दुल्हन की एंट्री, और ज्योति आज बहुत ही सुंदर लग रही है, आप लोग देख ही रहे हो। उनका लहंगा भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वो काफ़ी सुंदर लग रही है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी जो उनके भैया बहन थे सब लोग आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और फूल मालाएँ पहनाई मतलब जो फूल होते हैं उनको भी बारी करके उन्होंने रखा हुआ है सामने से। ऐसे बहुत अच्छा सा एक मतलब एम्बियंस तैयार किया हुआ था। उन्होंने एक गुलदस्ता पकड़ा हुआ था हाथ में दुल्हन ने, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद इन्होंने ना थोड़ी सी दुल्हन की एंट्री में ड्राई आइस को वो करा नीचे से, ये फॉग जैसे आपको दिख रहे हैं ड्राई आइस होती है ये, तो इसको मतलब कि जब आइस में हम गर्म पानी डाल देते हैं ना, तो इस तरीके का ये जो एम्बियंस है वो क्रिएट हो जाता है। तो मुझे भी पहले पता नहीं था, परंतु बाद में पता चला। तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही बस बैठ के इंजॉय ही कर रहे थे। बहुत दूर थे तो थोड़ी सी वीडियो क्लियरिटी आपको कम दिख रही होगी। यहाँ पे जो दूल्हे की साइड वाले थे सब लोग स्टेज पे खड़े होकर इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं अपना बढ़िया से। दुल्हन की एंट्री, और उसके बाद सब लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, और बहुत क्योंकि दिन की शादी
और उसके बाद फिर हम लोग भी चले गए थे घर को, यहाँ पे रास्ते में ये मेला लगा हुआ था, थोड़ा इसकी वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मेरी सासू माँ के आगे पीछे पीछे मैं, हम लोग गए सब्जी मंडी, वहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह खरीदी और उसके बाद हम लोग आगे सीधे घर। उसके बाद जो विदाई थी वो घर से ही हुई थी, तो हमारे पड़ोस में है, तो यहाँ पर शाम को रात को जब रात विदाई के समय थोड़ा घर पर आए थे, तो यहाँ पर ये हैं दुल्हन, पूरा रो रो के बुरा हाल हो रखा था, रो के होता ही है विदाई के समय, थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाते हैं, परंतु संभालना पड़ता है अपने आप को। तो ये यहाँ पर विदाई हो रही है, उसके बाद दुल्हन बैठ के कार में चले गए अपने घर को और यहाँ पे होती है ये शादी कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।